अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाची न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रणव तिवारी, हम मौजूद हैं गोरखपुर में। चूंकि मुद्दे जो हैं वो कई तरीके के हो सकते हैं, राजनीतिक मुद्दा हो सकता है और भी मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन जो अभी प्रेजेंट चल रहा है, प्रेजेंट जो सिनेरियो चल रहा है वो है कोरोना का मुद्दा। कोरोना एक अभिशाप, ये लेके हम लोगों ने यहाँ पे डिबेट रखा है और इसी के मद्देनज़र हमारे साथ तमाम नेता हैं वो जुड़े हुए हैं, उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के निवर्तमान उपाध्यक्ष विपुल त्रिपाठी जी मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। समाजवादी छात्र सभा से अपना बात रखेंगे, बेबाकी से अपनी बात रखते भी हैं शिवशंकर जी गौड़ हैं, और पट्टी व्यवसायी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार झा जी हैं, और NSUI युवा नेता है आदित्य शुक्ला जी मौजूद हैं। सबसे पहले चूंकि सरकार है आपकी, भारतीय जनता पार्टी बड़े रोचक तरीके से अपने पीठ भी थपथपा रही है काफ़ी क्रियाकलापों को लेके, लेकिन अभी का जो प्रकरण सर चल रहा है कोरोना, क्यों विफल हो जा रही है? सारे विपक्ष जो हैं एकदम आपके ऊपर दबिश डाले हुए हैं, किसी ने कहा कि मौत के सौदागर हैं, किसी ने कह दिया कि केवल जो है लकड़ी बेचने का काम कर रहे हैं, कफन बेचने का काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं सर विपुल जी आप? विपक्ष मुद्दा विहीन है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है आज की डेट में। कोरोना महामारी में भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरी तरह से सफल है, जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं वो सरकार के विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा विहीन है ये। तो इनका तो कहना है कि अगर आपके पास इतनी सुविधाएं हैं तो ऑक्सीजन की सिलेंडर कमी कहां से आ जा रही है, मौतें क्यों हो जा रही हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ऑक्सीजन की सिलेंडर कहीं नहीं है, 13 इकाइयां नई चालू होने वाली हैं, 750 मीट्रिक केंद्र सरकार द्वारा सप्लाई प्रदेश को मिल रहा है, अन्य और योजनाएँ चालू होने वाली हैं। मौत का सवाल है, जो लोग अंतिम उस पर अस्पतालों में जा रहे हैं वो मर रहे हैं, जो अंतिम स्टेज पर अस्पतालों में पहुँचे, जो तत्काल पहुँच रहे अस्पतालों में उनकी सुविधा उनको दी जा रही है, वो वापस आ रहे हैं, जीवित हैं, आज आपके बीच में घूम रहे हैं। आइए, चूंकि इनका कहना है कि जीवित हैं और अंतिम समय में पहुंच रहे हैं तो वो मौत का आंकड़ा अलग है, क्या कहेंगे शिवशंकर जी? आप तो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मौत की सौदागर बने फिर रही है, कफन बांट रही है, लकड़ी का व्यापार शुरू कर दिया, नया धंधा इन्होंने स्टार्ट कर दिया, क्या कहना चाह रहे हैं? इनका तो अलग ही दावा है। हमको लगता है कि श्रीमान विपुल त्रिपाठी जी के सीने में हृदय नहीं है, हृदय विहीन आदमी है ये। ये गोरखपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में लोग इस समय बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, त्राहिमाम मचा हुआ है, और ये जिस गोरखपुर से आते हैं वहाँ पे आप राजघाट की स्थिति जाके देख लीजिए कि कैसे कैसे वहाँ शव फेंके हुए, कैसे लोग मर रहे हैं, और ये कह रहे हैं विपक्ष के पास मुद्दा नहीं मिल रहा है। आप बताइए, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी सरकार जब कहती है कि हम ऑक्सीजन देंगे, आपकी सरकार जब कहती है कि हम सारी सुविधाएं देंगे, तो लोग क्यों मर रहे हैं? झूठा फ्रेबी आपका सांसद कहता है कि कोई नहीं मर रहा है, रिपोर्ट दबाने से बात चलेगा? आपके सीने में हृदय नहीं है, आप देख नहीं रहे हैं लोग मर कैसे रहे हैं। आपका PM झूठा, आपका CM झूठा, यहाँ तक कि वो सांसद जो कहता है कि राजघाट से मरने के बाद लोग सीधे स्वर्ग जाएंगे, तो ये आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोग स्वर्ग गए हैं और कितने लोग नर्क गए हैं, इस बात को ये बताएं। आप कैसी बात करते हैं साहब, लोग मर रहे हैं, बिलक रहे हैं सांस। अभी परसों नर्सों की बात है, एक व्यक्ति पेनेसिया से निकला, उसको डायलिसिस कराने आया था, उसको निकाल दिया गया, वो ऑक्सीजन के बिना मर गया, और ये कह रहे हैं कि विपक्ष का मुद्दा नहीं है। हम कहते हैं विपक्ष छोड़ दीजिए, हमें आप पार्टी की बातें नहीं करते, आइए हम और आप मिलके कोरोना के खिलाफ जंग लड़े और कोरोना को भगाएं। कि PM केयर फंड आया ना, अरबों खरबों रुपया केवल व्यापारियों से, बच्चों से, यहाँ तक कि एक बच्ची अपना गुल्लक फोड़ के प्रधानमंत्री राहत को उसमें पैसा देती है, उस बच्ची को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। आज लखनऊ की स्थिति कैसी है, बस से बदतर है। और मैं जो आपको पूर्व में कहा था कि प्रधानमंत्री दो संस्कार योजना, पहली बार ऐसी कोई सरकार भारतीय जनता पार्टी के और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो लोगों को कफन और कफन का लकड़ी देने का काम कर रही है। ऑक्सीजन ये दे नहीं सकते क्योंकि इनके लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, दवा ये दे नहीं सकते क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, निजी जितने भी हॉस्पिटल हैं सबके सब भारतीय जनता पार्टी अगर जाँच करा ली जाए तो सबके सब लोग एक एक वेंटिलेटर की कीमत कितनी होगी आप बताइए। वेंटिलेटर की कीमत 3-4 हज़ार एक दिन का होता है, 30,000, 40,000, 50,000, 1,00,000 लिया जा रहा है, और ये कहते हैं लोग
विपक्ष का मुद्दा नहीं है, आपके पास भी आते हैं। सर इनका कहना है कि आपदा का अवसर जो है बहुत बढ़िया तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी ही उसका आनंद ले रही है। आपदा से जो अवसर मिल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई और पार्टी जो है इसको नहीं कर रही। इनका बार बार आरोप लगाना है कि आपके माननीय सांसद जो है अनुपस्थित रहते हैं, उपस्थित होते हैं तो सीधे मौतों की बात करते हैं कि सीधे आपको स्वर्ग मिलेगा। क्या कहना चाह रहे हैं आप? आपदा में अवसर तलाशने का काम विपक्ष कर रही है। माननीय सांसद जी ने जो बयान दिया था स्वर्ग, और उसका वो पुराना बयान है, कोई नहीं, इस समय का बयान वो नहीं है। नहीं, कोरोना काल का ही तो बयान था, मतलब जब हमारे कोरोना को लेकर के जो मित्र उस पर उनका ये बयान नहीं था। नहीं, करोड़ों की योजना है, उस तरह से अगर वो बयान अपना दे रहे हैं, खैर आपकी अपनी निजी बात है, जो भी होता है कहा जाता है। हमारे साथ पट्टी व्यवसाय संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुड़े हुए सुधीर कुमार झा जी, क्या कहना चाह रहे हैं सर? आप लगातार ज्ञापन भी दे रहे हैं पट्टी व्यवसायियों के लिए, अपनी नई आवाज़ को बुलंद भी कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कोरोना को लेकर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई इसलिए क्योंकि आपने हिम्मत जुटाई, धन्यवाद और आभार इसलिए कि आज जो ये भ्रष्ट मीडिया है, जो पूरी तरीके से बिक गई है, जो सच्चाई दिखाने से डर रही है, आपने एक पहल किया, आपके जो ये साक्षी न्यूज़ ने पहल किया, इसका जितना भी हम लोग धन्यवाद और आभार व्यक्त करें इसका कम है। क्योंकि आज के डेट में हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जिनको हम लोग कहते हैं, हमें तो बड़ा दुख होता है यह कहते हुए कि वह आज मुख्यमंत्री हैं, जब वह सांसद हुआ करते थे, अगर एक शहर में कोई घटना होती थी तो वो सड़कों पे उतरा करते थे, जब कोई एक घटना होती थी प्रमुखता से वह बात को उठा करके गोरखपुर बंदी तक का आह्वान, सड़कों पे आंदोलन तक का आह्वान करते थे। यही मेडिकल कॉलेज में अगर कोई घटना होती थी तो मेडिकल कॉलेज तक वह पदयात्रा करते थे। हमें तो आज दुर्भाग्य लगता है कि वह मुख्यमंत्री हो गए, वह सांसद ही थे तो बहुत अच्छे थे। गोरखपुर के वासियों की हर आवाज़ को वह बुलंद करते थे, गरीब पटरी व्यवसायियों की बात को बुलंद करते थे, लेकिन आज मुख्यमंत्री हैं तो मुझे बहुत निराशाजनक होता है। और मैं अखबार के लोगों को, प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, सभी लोगों के जिस तरीके से जो व्यवहार है वह देख करके खुद अखबार पढ़ने को दिल नहीं करता है। अभी आप अखबार उठाइए, आज के अखबार अमर उजाला में जाके पढ़िए, आज खुलेआम लिखा है कि फला हॉस्पिटल में ऑक्सीजन से 5 लोगों की मृत्यु हो गई। माननीय हाई कोर्ट ने निर्देश किया है कि अगर ऑक्सीजन से कोई मरा तो सीधे फांसी पे लटकाया जाएगा। मैं हाई कोर्ट से कोई वो नहीं करता, लेकिन आपके मीडिया के माध्यम से मैं निवेदन जरूर हाई कोर्ट माननीय करना चाहता हूँ कि किसको लटकाया जाएगा इसमें फांसी, सीएम को कि पीएम को कि डीएम को कि सीएमओ को, यह तय करें और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और रही बात जो हमारे विपुल त्रिपाठी जी बोल रहे हैं, पहले तो मैं इनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत कलेजा रख करके इन्होंने इस डिबेट में आने का प्रयास किया, या आए, इनके मैं इस आने को ही सिर्फ बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि आज के डेट में बीजेपी का कोई नेता किसी माइक पे आने को तैयार नहीं है, ये आए, इनके लिए बहुत बहुत इनको धन्यवाद। आप देखिए, उत्तर प्रदेश का लखनऊ राजधानी है, वहाँ का सांसद रो रो के कह रहा है मैं धरने पे बैठूंगा, लखनऊ का विधायक मर गया, तमाम नेता जो है बीजेपी के भर्ती हैं, त्राहिमाम मचा हुआ है। आज अखबार के हेडलाइन में हमारे मुख्यमंत्री जी का बयान आता है, कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन कोई कमी नहीं, व्यवस्थाएं सारी हो गई हैं। आप देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडियो में देखने को जब मिलता है ऑक्सीजन उतर रहा है, हेलीकॉप्टर से आ रहा है, ये देश से आ रहा, वो देश से आ रहा, तो पब्लिक सांस में सांस लेती है, फिर दूसरे दिन दिखाई देता है त्राहिमाम त्राहिमाम। ईश्वर क्या कर रहा है, ईश्वर कहाँ है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि योगी आदित्यनाथ सांसद ही अच्छे लगते थे, मुख्यमंत्री हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं। इस कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि जब वो सांसद हुआ करते थे तो न्याय की बात करते थे, गरीबों की बात करते थे, जनहित की बात करते थे, आम लोगों की बात करते थे, लेकिन जब से मुख्यमंत्री हुए उनको जो है जनहित है, आम लोग सब लोगों से वह सरोकार ही नहीं रखते हैं। और आगे मैं क्या कहूँ, बहुत हृदय विदारक समय बीत रहा है, और आपको मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आप जो इस बात को रखे हैं, और सारे आपके मीडिया के माध्यम से यहाँ के जिला प्रशासन, यहाँ के पुलिस प्रशासन, यहाँ के संबंधित कोरोना के देखने वाले सारे अधिकारियों से हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक निवेदन भी करना चाहता हूँ, आज के डेट में किसी नेता से आप जाके पूछ लीजिए, न जिला अधिकारी से लेकर के किसी भी अधिकारी का फोन तक नहीं उठता है। अभी एक विज्ञापन आप देखे होंगे जो सोशल मीडिया पर चल रहा था,
कि मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो आदमी की भर्ती नहीं हो रही है, तुरंत सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल में अगर भर्ती नहीं हो पा रहा है, जगह नहीं है, तो तुरंत प्राइवेट हॉस्पिटल भर्ती ले, उसका पूरा पैसा सरकार देगी। अरे साहब, आप पैसा छोड़िए, पैसा तो हम दे ही रहे हैं, आप हमें सिर्फ भर्ती इलाज दीजिए, आप इंजेक्शन दीजिए। आज के डेट में यह हिंदुस्तान की कौन सी दशा है, आदमी दवा पैसा लेकर के लाइन में लगा हुआ है, आपके पास व्यवस्था नहीं है, और आप कितना, आपका हृदय है, कैसा हृदय है, क्या हो गया है आपको, कौन सी टोना मार गई है, कौन सी मानसिकता आपकी गिर गई है कि आप इतना बड़ा हृदय लेकर के कहते हैं। हम लोग जब बोलते हैं माइक पर बोल नहीं पाते हैं, दिल रोता है, जब सुबह उठते हैं, जब हम फोन देखते हैं, तो ये लगता है कि कौन सी मनहूस चीजें आएगी। और मैं नहीं कहता, पूरे गोरखपुर में अगर कोई सामाजिक व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति होगा, तो उसके दिल पे हाथ रख के पूछिएगा, तो कहेगा कि हम लोग जब फोन आता है तो सोचते रो देंगे। और ये तो और रोना जब आता है, जब उसकी हम लोग मदद नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं मदद कर पाते हैं? क्योंकि यहाँ का जिला अधिकारी का फोन नहीं उठता, यहाँ के प्रमुख संबंधित अधिकारियों का फोन नहीं उठता, और जिनका फोन उठता है वो सारे लोग जिला अधिकारी की गवाही देते हैं कि जिला अधिकारी से आप बात कर लीजिए, जिला अधिकारी बात करेंगे नहीं, जिला अधिकारी से बात कर लीजिए, आप कैसे किसी का मदद कर सकते हैं। क्या दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है, इसका जितना निंदा किया जाए कम है। इसी क्रम में NSUI गोरखपुर महानगर अध्यक्ष हैं आदित्य शुक्ला जी, हैं युवा हैं और बातें भी बड़ी बेबाकी से रखते हैं। सर, आपके तो प्रतिनिधि जो हैं, उनका कहना है कि अगर विकास किसी का हुआ है तो खाली प्रधानमंत्री मोदी जी के दाढ़ी का हुआ है। विकास की और कोई जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं, वो तो विकास की गंगा की ही बात कर रहे हैं। कितना सहमत हैं आप उनके विकास के इन तमाम मुद्दों पे? देखिए, सर्वप्रथम मैं अपने भाजपा के साथी को बताना चाहता हूँ कि मैं इस समय, मैं बता दूँ कि ये राजनीति का समय नहीं है। बिल्कुल विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, मुद्दे नहीं है। मैं कहता हूँ जान बचाइए, अभी अभी अगर आप जान बचा ले जाएंगे तो भविष्य में जब जनता रहेगी तो वही आपको वोट देगी। अब जनता नहीं रहेगी तो वोट कौन देगा? आप अभी राजनीति कर रहे हैं और आप कह रहे हैं विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है। हमें नहीं चाहिए मुद्दे। अगर किसी की जान ले के मुद्दे बनते हैं तो हमें नहीं करनी है ऐसी राजनीति। ऐसी राजनीति हमारी पार्टी नहीं करती है, हमारे संस्कारों में नहीं है। राहुल गांधी जी ने अपनी सभी रैलियाँ रद्द कर दी कोरोना को देखते हुए, उसके बाद भी प्रधानमंत्री और अमित शाह जी ने लगातार रैलियां की हैं। नहीं तो इनका तो कहना है कि भाई वो स्टार प्रचारक हैं नहीं, तो वो तो रैली रद्द ही करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो भी रैली कर रहे हैं वो तो स्टार प्रचारक हैं। भारतीय जनता पार्टी, बताइए, देश के प्रधानमंत्री हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं। अगर देश के प्रधानमंत्री हैं तो देश की हालत को उनको समझना चाहिए। आप सुबह आकर के रैली करते हैं और शाम में आके कहते हैं 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, जनता को पागल समझ रखे हैं। जनता को किस प्रकार से आप देख रहे हैं और क्या समझ रहे हैं, मैं ये नहीं समझ पाता हूँ। मैं गोरखपुर का हूँ और वर्तमान समय में जिम्मेदार युवा एक ग्रुप चला रहा हूँ। हम लोग डेली कम से कम 200-250 लोगों का फ़ोन उठाते हैं, उनकी मदद करते हैं। ऐसी दशा है कि वर्तमान समय में राजनीति छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ चल रहा है। मैं इतने दिनों से लगातार लोगों की मदद कर रहा हूँ, हमारे पास फ़ोन आते हैं, हमारे पास दिक्कतें क्या हैं। इस सरकार को अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो सरकार सुनती नहीं है। सरकार को चाहिए कि जो मेडिकल स्टूडेंट है, मैं ये युवा हूँ तो आपको सुझाव आपके माध्यम से देना चाहता हूँ सरकार को, जो मेडिकल स्टूडेंट है पूरे देश के, उनको इस पीरियड में एक टोल फ्री नंबर लगा करके उनकी एक टीम बनानी चाहिए, हर जिलों में उनको तैनात करना चाहिए, ताकि वो लोगों का फ़ोन तो उठाएँ, क्योंकि DM CM ये फ़ोन नहीं उठाने वाले हैं। कोई अधिकारी आज के डेट में फ़ोन नहीं उठाता है, सांसद विधायक अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते हैं। मैं लगातार गोरखपुर के विधायक माननीय राधा मोहन दास अग्रवाल जी को फ़ोन करता रहता हूँ, वो लगातार बात करते हैं, फिर कहते हैं कि कुछ इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारे पास रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेकर हॉस्पिटल बेड तक के फ़ोन आते हैं, मैं यथासंभव प्रयास करता हूँ और लोगों की मदद करता हूँ, लेकिन जब आर्थिक कमज़ोर वर्ग के लोग फ़ोन करने लगते हैं तो मैं असहाय हो जाता हूँ, मैं खुद समझ नहीं पाता हूँ कि अब क्या करना है। हाँ, चूँकि आपका प्रश्न जो है वो विपुल जी से है, उन्हीं से जान लेते हैं कि सर, इनका तो कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं कि देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या कहेंगे आप? नरेंद्र दामोदर जात मोती इस देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने धरती माता को चूम करके कहा था कि मैं किसी दल का, किसी जाति का, किसी वर्ग का नहीं, मैं इस देश का बेटा हूं और मैं देश के बारे में सोचता हूं। तो इतने आरोप क्यों लग रहे हैं? अगर वो देश के बेटे हैं और सारी चीज़ें हैं तो इतने आरोप ये तीनों विपक्ष में खड़े होकर जो है आपके ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हैं? लगातार आपसे कह रहा हूं, विपक्ष का काम है केवल आरोप लगाना, इनके पास कोई मुद्दे नहीं, केवल आरोप। आते हैं, इनका भी कुछ कहना है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था जब 2014 में चुनाव लड़ने गए थे कि मुझे गंगा मैया ने बुलाया है,
आज गंगा मैया बुला रही हैं, रो रही हैं, वहाँ की जनता रो रही है, जाइए ना पूछिए हाल वहाँ का। आज नहीं आप जा रहे हैं, आज गंगा मैया याद नहीं आ रही हैं, क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं साहब। बंगाल का चुनाव जीतने निकले हैं, देश हार जाएंगे, आप लिख करके ले लीजिए, देश हारने वाले हैं, हालत ख़राब है लोगों की, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और आप इस समय चुनाव कर रहे हैं, आपको चुनाव जीतने की पड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल आपके मुद्दे हैं, चूंकि समय की सीमा भी है, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और उनके पास कुछ एक पेपर की कटिंग है, जान लेते हैं कि वो पूरा प्रकरण क्या है। सर ये तो कह रहे हैं कि चुनाव अगर होगा तो भैया कोरोना नहीं है, चुनाव जहाँ नहीं है वहाँ पर कोरोना है, IPL करा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्कूल है बंद है, कॉलेज बंद है, यूनिवर्सिटीज़ बंद है, क्या कहना चाह रहे हैं? और जो प्रकरण आप लेके आए उसके वो भी हमारे सामने आप रख सकते हैं। देखिए धिक्कार है ऐसे खिलाड़ियों का, और जो नौजवान इन क्रिकेट के खिलाड़ियों को भगवान मानते हैं, आज इतने ये नकारा और निकम्मे हमारे फिल्म स्टार क्रिकेटर इतने खिलाड़ी हैं करोड़ों कमाते हैं, इन्होंने कहा, भाजपा के साथी ने कहा कि कोई मुद्दा नहीं, इनको यही बस सूझ रहा कोई मुद्दा नहीं है। मैं पूछता हूँ, पेपर में है, अमर उजाला के पेपर में पृष्ठ नंबर 2 पे है, ऑक्सीजन नहीं मिलने से आरोही हॉस्पिटल में 5 मरीजों की मौत हो गई आरोही हॉस्पिटल में। एक लाइन में पढ़ दूंगा, कोविड सेंटर बनाए गए पादरी बाजार में स्थित आरोही हॉस्पिटल में मंगलवार सुबह 3 कोरोना संक्रमित और 2 हृदय रोगियों की मौत हो गई। एक तरफ उत्तराखंड से आके योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर के शासन सत्ता लखनऊ तक बैठ जाते हैं कहीं से आके, और हम उनको महंत मानते हैं, सन्यासी मानते हैं, सन्यासी माने बहुत बड़ा आदमी होता है, सन्यासी भोग विलास नहीं होता, लेकिन उनके गोरखपुर में जहां वो सांसद थे तो एक एक गली एक एक चौराहों से पूज्य योगी जी वाकिफ होंगे। मैं भी जानता हूं गोरखपुर का, मैं भी निवासी हूं, लेकिन जब लोग ऑक्सीजन से मर रहे हैं तो इनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कोई नहीं मर रहा है। साथी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया, मैं कहता हूं कि जितने भी इंटर कॉलेज हैं विश्वविद्यालय हैं इनको क्यों ना कोरोना के लिए बना दिया जा रहा है, आइसोलेशन वार्ड क्यों नहीं बना दिया जा रहा है, जितने मैरिज हॉल हैं सब खाली पड़े हैं, जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी वो निजी जिसको और नहीं है जो इंटर कॉलेज सबको क्यों नहीं बना दिया जा रहा है। मैं बताऊं, मैं इस पर राजनीति करने नहीं आया, मैं बस इतना कहने आया हूं कि आज मैं धन्यवाद देता हूं अखिलेश यादव ने, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार में 108 एम्बुलेंस नहीं दिया रहता तो आज जनता दरबदर और बस से बदतर हालत होती है। आप सोच लीजिए इस पर कि 108 एम्बुलेंस ने कितना कारगर हुआ है, कि जनता को कितना उससे लाभ मिला, और मेडिकल कॉलेज के बगल में 300 बेड का जो कोविड वार्ड बनाया गया है, कोविड वार्ड का भी सुन लेते हैं। आप अपने पार्टी की ये समय मैं बार बार कर रहा हूँ, आपदा का समय अवसर का नहीं है, आपकी सरकार के समय में मेडिकल कॉलेज बंद होने के समय था और पूज्य महाराज जी उस समय मेडिकल कॉलेज से कमीशन ऑफिस तक पैदल चल के आए थे। आप केवल उसी राजनीति करते हैं, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल मुद्दा विहीन है। 300 बेड बन गया भैया, आप पता कीजिए, साक्षी न्यूज चैनल पे मैं कहता हूँ, अगर विपुल त्रिपाठी जी अगर मेरी बात झूठी हो गई तो शिवशंकर गौड़ राजनीति से संन्यास ले लेगा। समय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपके माध्यम से मैं जनता तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत संकट का समय चल रहा है, मैं लगातार लोगों के फोन उठा रहा हूं और लोगों के संपर्क में हूं बातचीत से, तो ऐसी स्थिति में जब लोग कोविड पेशेंट हो जा रहे हैं, जो कोविड पॉजिटिव हो जा रहे हैं, तो जो नॉर्मल भी हैं वो भी बेड की तलाश करने लग रहे हैं। ऐसे समय में जरूरी है कि आप समझिए, लड़ने की क्षमता लाइए, प्रयास करिए कि घर पर ही पहले, अब ऐसी स्थिति आ गई है भारत में कि लोग अभी पॉजिटिव हुए नहीं कि वो रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए परेशान होने लग रहे हैं, लोग स्टोर करने लग रहे हैं, कालाबाजारी बहुत बढ़ गई है। ऐसे समय में हमें आपको सतर्क हो करके, अगर हम पॉजिटिव हो भी जाते हैं तो घर पर लड़ने का प्रयास करिए उससे, पहले भागने का मत प्रयास करिए कि पहले ऑक्सीजन मंगा ले तो उससे पेशेंट और डर जाएगा, काउंसलिंग करने की आवश्यकता है। सरकार बिल्कुल, यहाँ गोरखपुर का प्रशासन तो पूरी तरह से निकम्मा है, बिल्कुल नहीं सुन रहा है, किसी की नहीं सुन रहा है कोई। अभी परसों के अखबार के न्यूज़ है, डेली निकलता है, कल परसों निकला था कि गोरखपुर में एक मौत नहीं हुई है कोरोना से, और मेरे परिचित 10 लोग मरे हैं, मेरे जानने वाले, और फोन से कितने लोगों की मृत्यु हुई इसकी जानकारी, ये तो वही जवाब दे पाएंगे, क्योंकि मौत का आंकड़ा है उसको छुपाया जा रहा है। सर आरोप लगा रहे हैं, जांच नहीं हो रही है, और मैंने पहले ही आपसे कहा है कि वो मौत उन्हीं की हो रही जो अंतिम स्टेज पे पहुंच रहे हैं, जो फर्स्ट नहीं, उनका तो कहना है कि जितनी मौतें हैं वो जो आंकड़ा आप लोग गोरखपुर प्रशासन जारी कर रहा है वो सरासर गलत है, आंकड़ा छुपाया जा रहा है। गलत है तो आप उसको प्रस्तुत करिए ना, आप तो इसीलिए बैठे हैं ना विपक्ष में, आप इसीलिए हैं,
आप तो आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, उसको दिखाइए, आप उसको बताइए। नहीं देंगे आप, आपका डीएम झूठा, आपका सीएम झूठा, आपका सांसद कहाँ है बताए, गोरखपुर में रवि किशन जी कहाँ है? फिर मैं कहूँगा तो लोग कहेंगे मैं राजनीति कर रहा हूँ। इतनी दयनीय स्थिति है, इतनी दयनीय स्थिति है, जौनपुर में एक एक तिलकधारी सिंह और जौनपुर के लोगों का पता नहीं हृदय क्या है। मैं आज पेपर पढ़ रहा था, पटरी व्यवसायी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार झा जी हम लोग मिले, तो हम पेपर पढ़े थे, उस घटना इतना मार्मिक कर देने वाला है। वो पत्नी का सौ साइकिल पे लाद के और उसके लोगों वहाँ के लोगों ने उसका दह संस्कार करने नहीं दिया, उसकी पत्नी ऐसे पड़ी हुई है और ये बात करते हैं। सबसे ज्यादा विधायक इनके पास हैं, सबसे ज्यादा सांसद इनके पास हैं। यही आपदा में अवसर तलाशने का यही इनका तरीका है। अगर उसकी पत्नी साइकिल पे है तो उसका भी जिम्मेदार सरकार है, वहाँ के लोग उनकी मदद नहीं करेंगे, आप उनकी मदद नहीं करेंगे, सरकार उसकी जिम्मेदार है। सुधीर जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे जुड़ते हैं। हाँ सर, मैं आपको बता दूं, बहस हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर अभी सारे राजनीतिक लोगों से मैं एक निवेदन के साथ और समाजसेवी शुक्ला जी से भी निवेदन के साथ मैं कहना चाहूँगा, बहस अच्छी होनी चाहिए। बहस जो हम लोग आपने जो एक कोरोना वार्ड पे शुरू किया, कोरोना मरीज पे शुरू किया, निश्चित रूप से होनी चाहिए। मैं पहले आपसे एक बार निवेदन जरूर करूँगा कि इस मामले पे अधिकारियों से आप बाइक जरूर लें कि इस पे ये क्या है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम टेलीफोन से किसी का मदद, व्यक्तिगत रूप से किसी का मदद नहीं कर सकते, क्योंकि आज के डेट में उनको एक ही तरीके से मदद हो सकता है, ऑक्सीजन से, बेड से और दवाइयों से, और जो एक प्रमुख सुइयां आई हैं उन चीज़ों से। इससे मदद सिर्फ दो ही लोग कर सकते हैं, या तो हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम या तो गोरखपुर के डीएम, या दोनों के सिवा हम लोग, हम इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि पहला एक ऐसा आपदा है जो आम पब्लिक को हम लोग मदद करने में असक्षम महसूस कर रहे हैं। पहले तो ये भी था, हम लोग अधिकारी से लड़ लेते थे, जिलाधिकारी से लेकर के सीएमओ से लड़ लेते थे। आज के डेट में अगर हम लड़ेंगे तो जैसे हमारे बड़े भाई लगातार कह रहे हैं आपदा को अवसर में बदलना, ए भाई ये शब्द हम लोग नहीं लाए, ये कोई विपक्ष नहीं लाया, ये माननीय यशस्वी हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी लाए कि आपदा को अवसर में बदलो, ये वही लाए। और जो वो आज परंपरा ले आए और ये जो शब्द ले आए, आज के डेट में निश्चित रूप से सरकार आपदा को अवसर में बदल दी है। पूरे लोक त्राहिमाम है, उनका सांसद चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, उनका विधायक मर गया, पूरी लखनऊ त्राहिमाम है, गोरखपुर त्राहिमाम है, लेकिन उनके कान में न्यू तक नहीं जा रहा है और चू नहीं कर रहे हैं, और बल्कि एकदम अखबारों और टीवियों पे आ करके एकदम खुलेआम कर रहे हैं। हम मीडिया के लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर आप बाइक ले रहे हैं तो उनसे पूछिए कि आंकड़े क्यों छुपाए जा रहे हैं, दवाएं क्यों नहीं उपलब्ध हो रहे हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है। अगर हो नहीं रही है तो उसका जवाब सीएम से मांगिए, नहीं तो सारे अखबार अपने बंद कर दीजिए, झूठी खबर छोड़ दीजिए। अखबार वाले अब तक करते थे, हम लोग कहते थे बिकाऊ मीडिया, बिकाऊ तक तो गनीमत था, आज के डेट में मीडिया मानवता को सर्वसार करने का काम कर रही है। मैं सारे मीडिया के लोगों के हाथ जोड़ से निवेदन करना चाहते हैं कि सीएम से मिलिए, पीएम से मिलिए, अगर आपके अंदर मानवता और नियत है तो उनसे पूछिए कि सच बोलिए और उनसे पूछिए कि क्या गोरखपुर का आंकड़ा है, गोरखपुर में कितनी दवाइयां भेजे, और कहिए उनको कि डीएम को फोन मिलाए उसी से, अगर डीएम साहब फोन उठा ले तो फिर आप हमसे आग बताइए। आदित्य भी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए बहुत सामान्य सी बातें हैं जो हम सबको समझनी है। अगर हम चार लोग यहाँ खड़े हैं तो हम चार अगर प्रयास करें तो चार जीवन एक दिन में बचा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यही है, राजनीति छोड़ दीजिए, सारी चीज़ें को छोड़ने का समय है, सिर्फ मानव सेवा का समय है। बिल्कुल, लेकिन जो बचाव की एक प्रक्रिया है, चूंकि एक पूरा करिकुलम होता है, वो जिस स्तर से होके गुजरना है वहीं पे जो है वो लुंज पड़ा हुआ है, तो कैसे चीज़ें सही होंगी? क्या दिक्कतें क्या आ रही हैं वर्तमान समय में, दिक्कतें क्या आ रही हैं? जैसे कल गीडा, अभी तक रिफिलिंग की कोई समस्या नहीं थी शहर में, अभी तक सिर्फ सिलेंडर की समस्या थी, कल रिफिलिंग की भी समस्या हो गई। गीडा में कल गाड़ी आई नहीं, सीतापुर में ख़राब हो गई, तो कल मेरे जानने वाले 20-25 लोगों को वापस आना पड़ा रात्रि में, और कई लोगों की जानें ऑक्सीजन की वजह से चली गई। तो कारण यह है कि ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं है, रेमडेसिविर इंजेक्शन आ रहे हैं, 50 इंजेक्शन क्या होते हैं इतने बड़े शहर में, और जब ये इतना बड़ा शहर और ऊपर से आसपास के जो ज़िले हैं उनका पूरा भार सीधे गोरखपुर पड़ता है,
ऐसे में सिर्फ 50 इंजेक्शन आना और जिलाधिकारी कार्यालय पर मिलना, लगातार वो लाइन 2 बजे सुबह से लाइन लगती है और शाम में 3 बजे मिलता है। कुछ कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, कुछ विपुल जी कुछ कह रहे हैं। आपदा प्रबंधक के ड्रग इंस्पेक्टर आपदा ऑफिस पे बैठे हैं, जो भी मरीज अपना पर्चा लेके जाते हैं उनको वहाँ स्वेच्छा से उनके सुई मिलती है, लेकिन कुछ लोग कालाबाजारी इसमें भी कर रहे हैं। मैं एकदम शहद दोस्त कर रहा हूँ कि इसमें कुछ लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। कितना परसेंटेज जा रहा है? देखिए मुद्दे से पे रही है, आपका कार्यालय कितना परसेंटेज जा रहा है वहाँ? वो तो आप जानते होंगे कि आप लोग कितना लेते थे। पूरा पर्याप्त व्यवस्था सरकार के पास है, कहीं कोई दिक्कत ऑक्सीजन की नहीं है, केवल लोग कालाबाजारी करके स्टोर कर रहे हैं। इसीलिए थोड़ी दिक्कत प्रदेश में और जिले में है ऑक्सीजन की दिक्कत। अमर उजाला पेपर झूठ बोलेगा, कालाबाजारी जो पेपर झूठ बोले आपके डीएम ये देखिए, मैं यहाँ झूठ और सच को साबित करने नहीं आया। और देखिए क्या कह रहे हैं, अस्पताल के बाहर कहीं नहीं पर्याप्त ऑक्सीजन है, केवल कालाबाजारी का जो खेल चल रहा है उसके नाते थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। मरीज मिले तो डीएम और सीएमओ जवाबदेह होंगे। तो एक तरफ यही पादरी बाजार में 5 मरीज मर जाते हैं, नीचे आपके सीएम का बयान आता है और डीएम का जवाबदेही और सीएमओ का, और कोर्ट कहता है कि अगर ऑक्सीजन से कोई मरा तो मैं फांसी किसको दी जाए, तो ये जवाबदेही बनाएंगे क्या? बिल्कुल, इनकी भी जवाबदेही है। आदित्य भी कुछ कह रहे हैं, उनसे भी जोड़ लेते हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं ऑक्सीजन से जाने नहीं जा रही है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है। क्या बात करते हैं, किस हिसाब से आप बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन की कमी पूरे भारत में है। अब मैं अस्पतालों को फोन करता हूं तो अस्पताल कहते हैं ऑक्सीजन लेवल कितना है मरीज का। कारण यह है कि वो जानते हैं कि ऑक्सीजन लेवल अगर कम होगा, अगर 60 75 80 तक भी है तो वो लेने से कतराते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हमारे पास ज़्यादा है देर का है नहीं, 2 बजे तक का ऑक्सीजन है, 2:30 बजे हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो ऑक्सीजन की कमी पूरे भारत में है वर्तमान समय में, और इसके लिए सरकार के पास नीतियाँ नहीं है। सरकार को चाहिए कि सब कुछ छोड़ करके वर्तमान समय में जो जरूरी चीज़ें हैं उसको करें, कि ला करके कम से कम ऑक्सीजन अवेलेबल कराए, जिसके लिए लोग मर जा रहे हैं रोड पे। कल छात्रसंघ चौराहे पे पेनेसिया हॉस्पिटल के सामने एक आदमी की मृत्यु हो गई। तो और अस्पतालों को इस समय, अस्पताल अपनी मनमानी शुरू से करते आए हैं और इस कोरोना काल में तो अस्पतालों की मनमानी पूरी तरह बढ़ गई है, वो बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। अगर आप ज़्यादा उनसे कुछ बहस करने का प्रयास करेंगे वो कहेंगे बेड नहीं है हमारे पास, सीधे वो कहते हैं बेड नहीं है हमारे। सुधीर जी, सुधीर जी, सुधीर जी, आप 2 मिनट अभी तत्काल आप फोन करिए, जितने आपदा सेंटर के इन्होंने नंबर बताया, अगर एक फोन आपका लग जाए, गलती से लग गया तो उठ जाए, और उठ गया तो वह कोई कार्रवाई और इस्तीफे। और पूरे गोरखपुर में आप चैनल के माध्यम से आपके पूरे ये हमारे आदरणीय छोटे भाई जो अभी बता रहे हैं, मैं इनसे क्या बोलूं, इस समय मैं बोलने लायक भी नहीं, लेकिन मैं आपको बस 2 लाइन बस इतना कहूँगा कि अगर इनके वर्तमान में इनके में अगर कुवत है तो एक वेंटिलेटर चेयर गोरखपुर में दिला के दिखाएं और एक ऑक्सीजन पीड़ित व्यक्ति को भर्ती करके दिखाएं। अभी तुरंत मैं इनको 2 मरीज का नंबर दे रहा हूं, बस ये दोनों को एडमिट करा दे, राजनीति से संन्यास ले। डायरेक्ट चैलेंज किया जा रहा है सर, चैलेंज स्वीकार है आपको? मित्र एकदम स्वीकार है। अभी कल परसों एक कंपियरगंज का मामला आप के मीडिया भाई द्वारा चलाया जा रहा था, गौरव उपाध्याय हमारे मित्र हैं, उन्होंने मीडिया में डाला था, रात को 12:45 पे हम लोगों ने डीएम साहब से बात करके पैनेसिया अस्पताल में उस महिला को भर्ती कराया था। कुछ कहना चाह रहे हैं नंबर, ये देखिए इन्होंने आपने नोट कराया ना, ये मेडिकल कॉलेज का था ना, मेडिकल कॉलेज के द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, ये मेडिकल कॉलेज का हेल्पलाइन नंबर है, अमर उजाला में छपा है, ये स्विच ऑफ है, ये स्विच ऑफ है ना, स्विच ऑफ आ रहा है क्योंकि हाँ बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदारी इनकी है। इनसे ही प्रश्न करते हैं कि सर आपके सामने है, आपने कहा कि चैलेंज स्वीकार भी है, फोन मिलाया गया है जो कि स्विच ऑफ आ रहा है, कुछ नंबर उसमें गलत फीड हुए हैं जिनको बदला, ये तो अमर उजाला जो है वो पत्रिका में छपी हुई है, उसको उसमें बदलाव किया जा रहा है, कल के पेपर में नया था। तो रोज का रोज जो है नंबर आप लोग कितनी हत्याएं कराएंगे, आप लोग कितने लोगों को शमशान भेजेंगे आप लोग, अरे शर्म आनी चाहिए भाजपा के लोगों को। आदित्य, 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 कल दैनिक जागरण में, कल के अखबार में निकला था कि मेडिकल कॉलेज में 30 वेंटिलेटर बढ़ाए गए। कल जब मैंने मेडिकल प्रशासन को फोन किया तो वो कहे सिर्फ अभी कागज पे बढ़ाए गए हैं, उस पर काम नहीं हो रहा है। तो ये सरकार सिर्फ कागज पे ही काम करती है, कागज पे सारे काम हो जाते हैं, धरातल पे आप आएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। धरातल पे कुछ नहीं होगा क्या शिवशंकर जी? लास्ट में चूंकि समय सीमा भी है, अपनी बात को जो रखना, सरकार को सुझाव देना चाहूंगा। देखिए मैं पीड़ित हूँ, पीड़ित माने मेरे शहर के लोग, मेरे प्रदेश में भारतवासी, आम शहरी हूँ,
मैं कह रहा हूँ कि अगर कहीं आवश्यकता है तो जितने विपक्ष के लोग हैं, जितने विपक्ष की पार्टी के लोग हैं, प्रमुख लोग हैं, जोनल अधिकारी तय कर दीजिए। आप कोविड वार्ड बना दीजिए, जैसे विश्वविद्यालय महाविद्यालय जितने भी फील्ड खाली हों आप बना दीजिए। जैसे ये चैन तोड़ना बहुत आवश्यक है, चैन तोड़िए। सपा, कांग्रेस, बसपा या अन्य दलों से एक एक लोगों को और एक अधिकारी आप नियुक्त कर दीजिए कि वहाँ पे देख रेख होगी कि कहीं किसी की कमी आई। अगर यहाँ पे 10 सिलेंडर की आवश्यकता है तो 10 सिलेंडर 10 सिलेंडर सबके सुझाव ले लेते हैं, एक सबके सुझाव ले लेते हैं, 10 सिलेंडर वहाँ पे आ जाए, ठीक है ना। उसका मॉनिटरिंग हो, मॉनिटरिंग होकर डीएम तक बात जाए कि अगर कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा, कहीं काला बाजारी हो रही, कहीं कोई इंजेक्शन, कोई दवाई काला बाजारी हो रही है तो उसकी शिकायत और उस पर त्वरित कार्रवाई हो, फट से इसको हटा के दूसरे की जिम्मेदारी दी जाए। ऐसा ये लोग नहीं करेंगे। हमारे गोरखपुर विश्वविद्यालय में लगभग 500 लोगों को आइसोलेट किया जा सकता है। मैंने माननीय कुलपति जी से इस पर आग्रह भी किया है, मैं इस पर महामहिम जी को पत्र भी लिखा है कि जितने भी विश्वविद्यालय महाविद्यालय हैं उनके शिक्षकों कर्मचारियों के लिए भी ये आइसोलेशन वार्ड बन सकता है और अन्य आम शहर जहाँ विश्वविद्यालय स्थापित वहाँ के लोगों के लिए भी व्यवस्था हो सकती है। और सुझाव ले लेते हैं, सुधीर सर से भी ले लेते हैं। हाँ सर, पहले तो आपके मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं मांग करना चाहता हूँ, क्योंकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी को गोरखपुर में सुझाव देना या बताना एक सूरज के दिया दिखाने के समान है, क्योंकि गोरखपुर के एक एक गली के बारे में माननीय योगी आदित्यनाथ जी जानते हैं, यहाँ के गोरखपुर के एक एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में भी वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसकी क्या क्षमता है, कौन क्या है, कौन कैसे, इसमें बताने की कोई वो नहीं है। लेकिन मैं फिर भी उनको व्यक्तिगत निवेदन, आग्रह, हाथ जोड़ करके मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि अगर उनकी नैतिकता और नीयत अगर ठीक है तो पहला काम तो वो ये करें, जितने भी हेल्पलाइन जितने जारी हो रहे हैं आप फेसबुक और जितने फेसबुकिया लोग हैं जो फेसबुक पे अपने आप को समाज सेवी घोषित कर करके वह नंबर शो कर रहे हैं, ये भी यह गलत है, क्योंकि नंबर तो शेयर हो जाता है, वह लोग चेक नहीं करते हैं, वह नंबर फ़ोन नहीं उठता है, बल्कि पीड़ित का समय भी बर्बाद होता है और आहत और दुखी भी हो रहा है। तो आप ये जानिए, जितने भी नंबर आज के डेट में हेल्पलाइन के दिए जा रहे हैं या रिफिलिंग गैस के दिए जा रहे हैं या जहाँ भी दिए रहा है, जितनी भी फेसबुक पे नंबरें चल रहे हैं आप कहीं भी मिला लीजिए, कोई काम नहीं करता। तो मैं पहला माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन के साथ, आदरपूर्वक के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि वह पहले गोरखपुर जिला के लिए पहला अगर उनको काम करना है तो एक ऐसा काम, ऐसा जगह बनाए, ऐसे सेंटर 2-3 बनाए जो यह पूरे कोरोना गाइडलाइन को एक टेक ओवर ईमानदारी और नियत से करे। जैसे कि गोरखपुर डीएम को 4 दे दिया गया, डीएम साहब का फोन ही नहीं उठेगा तो कैसे हम लोग मदद किसी करवाएंगे, और वह नंबर सार्वजनिक जारी करे और नंबर मिलना चाहिए और नंबर उठना चाहिए, नंबर पे कार्रवाई होना चाहिए। अगर नियत है तो एक नंबर खाली ले आकर के अगर गोरखपुर में दे देंगे तो निश्चित रूप से यह गोरखपुर की वो ऐसी क्रांतिकारी धरती है कि एक एक लोग यहाँ से उठ करके, एक एक लोग नहीं हजार हजार लोगों का मदद करने का काम करेंगे। और आज के डेट में गोरखपुर जिला निश्चित रूप से एक गौरवशाली के रूप में मेडिकल के नाम पे होते चला गया है, क्योंकि आज के डेट में बिहार तक के लोग, महाराजगंज नेपाल तक के लोग गोरखपुर से एक आशा और विश्वास के साथ यहाँ पे अपना इलाज कराने आते हैं। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगर अधिकारियों का फोन उठने लगे और अधिकारी अगर नियत से काम करने लगे तो इस जंग को हम लोग बहुत सही तरीके से संभाल सकते हैं। मौतें तो जो हो रही हैं वो तो ईश्वर की है हम लोग, लेकिन फिर भी बहुत हद तक इस मामले में हम लोग जीत सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आदित्य शुक्ला का भी कुछ सुझाव है, उनकी भी बातें सुन लेते हैं। हाँ देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बातें जो हैं, जो सुझाव हैं मेरे, वो ये हैं कि सभी पार्टियों के कार्यालय लगभग हर जिलों में हैं, सभी पार्टियों के हैं, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं जिसके कार्यालय ना हो हर जिलों में। तो पहले सर्वप्रथम सभी पार्टियों को सामने आना चाहिए और अपने कार्यालय को आइसोलेशन सेंटर घोषित करना चाहिए और अपने पार्टी के कुछ पदाधिकारियों को, सिर्फ 5-5 पदाधिकारी अगर पार्टी देती है, वो डीएम साहब को सीधे 5-5 पदाधिकारी डीएम साहब को सीधे रिपोर्टिंग करें, एक टीम बनाई जाए जिससे शहर में, और बहुत अच्छे समाज सेवी होते हैं पूरे शहर में, लगभग समाज सेवी आपको मिलेंगे, तो सभी लोगों की एक टीम बनाई जाए, सब लोग साथ काम करें और इस जंग से लड़ करके जीतने का काम करें। और जान बहुत महत्वपूर्ण है, पार्टी सारी चीज़ों से ऊपर उठ करके किसी की जान होती है, अगर जान आज बच गई तो कल वो बड़े होंगे, वोट देंगे, आपको जीत भी मिल सकती है, हार भी मिल सकती है, लेकिन जान बचानी सबसे जरूरी है। हाँ बिल्कुल, जान है तो जहान है, चूंकि जिम्मेदारी है, इनका अपना कर्तव्य भी है। इनसे लास्ट अंतिम में पूछ लेते हैं कि इनकी जिम्मेदारी क्या है और ये तमाम गोरखपुर के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहते हैं। निवेदन कर दूं,
सदर हॉस्पिटल में एक महिला बहुत ही इमरजेंसी रूप से भर्ती है, उसको कोविड नहीं है, कोरोना नहीं है, इमरजेंसी में है, उसका पति उसको छोड़ चुका है, उसकी बिटिया और वो इमरजेंसी में, उसको कोई हॉस्पिटल नहीं ले रहा, कहीं बेड नहीं खाली है गोरखपुर, मैंने पता कर लिया। अगर इनके माध्यम से, अगर सरकार के माध्यम से या डीएम के माध्यम से कहीं हो सके तो उस महिला का उपचार हो। सर उपचार हो जाए जैसा उन्होंने आपसे निवेदन किया है, और तमाम गोरखपुर की जनता को अंतिम में क्या संदेश? जैसा छोटे भाई शुक्ला जी ने कहा, पार्टी कार्यालयों को आइसोलेट बनाया जाए। संघ का सेवा भारती आप हमारे यहाँ चलता है पूरे प्रदेश में। सेवा भारती ने कोरोना के दूसरे लहर के तीसरे दिन से ही सरस्वती शिशु मंदिर में, पक्की बाग में दो दो तीन तीन आइसोलेट सेंटर मित्र खोले हैं, आप जानते होंगे इस चीज़ को। पार्टी छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत गौर करके हमारी पार्टी और सरकार से काम कर रही है। मित्र जो आप भी आप लोगों के सुझाव राष्ट्र हित में, समाज हित में, देश हित में है, उसका मैं तहे दिल से उसका स्वागत करता हूँ। अपने मंच पर भी इस बात को रखूँगा जो भी आप लोगों का सुझाव है। दूसरा मैं ये एक उसके माध्यम से अपनी बात को रखूँगा कि अखबारों में छपने वाले इसी शहर में रहते हैं, दंगा को भड़काने वाले इसी शहर में रहते हैं, जलते दिए को बुझाने वाले इसी शहर में रहते हैं, और बुझते दिए को बचाने वाले भी इसी शहर में रहते हैं। मित्रों कोरोना आपदा में हमको एक दूसरे का सहयोग करके पार्टी दल से ऊपर उठ के हमको मदद करनी है। तो जो आप सभी निवेदन किया है शिवशंकर जी ने, उस महिला का आधार कार्ड, बेड नंबर, अभी आप हमको, अभी मैं आपके सामने चल के उसकी व्यवस्था कराते हैं। ठीक है, चूंकि नेता है उनका काम ही है बोलना, बेबाकी से बातें रखना, चूंकि नेता और अभिनेता दोनों जो है वो अपने अपने अलग अलग रोलों के लिए होते हैं। हाँ एक बात अंतिम में, चूंकि अपनी बातों को रखने के लिए पीछे नहीं हटते हैं शिवशंकर, सारी उधार नहीं ली जाती है, तो मैं कह दूंगा आपको पूरे भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की, मणि खोए भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश, मणि खोए भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको न्याय किया जगदीश, जब अंधी बना दिया तो क्या न्याय करेंगे आप। बिल्कुल, मैंने जैसा कहा है कि नेता है और नेता का काम होता है एक अभिनेता की तरह अपने आप को प्रस्तुत करना, क्योंकि इनकी बातें हैं बेबाकी से रखने का इन लोगों का दायित्व भी है। तमाम हमारे साथ साथी जुड़े हुए थे, और मैं आपसे आग्रह भी करता हूं, निवेदन भी करता हूं, क्योंकि इनके जो है भाषण अभिभाषण वो चलते रहेंगे, सुरक्षित रहने का काम आपका है, आप हमारे साथ बने रहें, और कोरोना गाइडलाइन के जो भी रूल है, रेगुलेशन है, उसको आप फॉलो करें, अपने हाथों को धोएं, सैनिटाइजेशन का यूज़ करते रहें, मास्क का लगातार प्रयोग करें। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रवासाची न्यूज़ नेटवर्क।